हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, आज हम बनाएंगे मोटा भुजिया वाली सब्जी रेसिपी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम मोटा वाला भुजिया काम में लेंगे, ये देखिए। और एक मीडियम साइज का ओनियन जिसको बारीक कट कर लिया है, और 8-10 कलियाँ लहसुन की जिसको चॉप कर लिया है, और दो छोटी ग्रीन चिली काम में लेंगे जिसको बारीक कट कर लिया है। और मसाले के अंदर हम काम में लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच जीरा तड़के के लिए, और स्वाद के अनुसार नमक काम में लेंगे, और 1 चम्मच मिर्च पाउडर काम में लेंगे। अब हम गैस को ऑन कर दिया है और इसके ऊपर हमने पतीला रख दिया, और पतीले को थोड़ी देर के लिए गर्म कर लेते हैं। ये देखिए पतीला हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, और तेल को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तेल को जितना बॉईल करेंगे सब्जी उतनी अच्छी टेस्टी हेल्थली बनकर तैयार होगी। आज हम बहुत ही शानदार लाजवाब सब्जी बनाएंगे मोटा भुजिया वाली। अब इसके अंदर हमने 2 छोटे चम्मच ऑयल डाल दिया है, और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म होने लगा है, ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम दालचीनी डालेंगे 2 टुकड़ा, जो सब्जी का टेस्ट अच्छा आएगा, स्वाद अच्छा आएगा, फ्लेवर भी अच्छा आता है सब्जी का। अब इसके अंदर हम 1/2 चम्मच जीरा डाल देते हैं तड़के के लिए, अच्छी खुशबू आएगी। और इसको तड़कने के तहत पका लेते हैं। देखिए हमारा जीरा भी तड़क कर तैयार हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर हम तेज पत्ता डाल देते हैं जिससे सब्जी का फ्लेवर अच्छा आता है, ये भी एक औषधि है तेज पत्ता। अब इसके अंदर हम चुटकी भर हींग डाल देते हैं, और चुटकी भर मेथी दाना डाल दिए हैं जिससे कि बाजीबाव के लिए मेथी फ़ायदेमंद होती है और अनेक रोगों का रामबाण है। अब इसको हम थोड़ा गोल्ड ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं, और चुटकी भर हींग डाल दी है, देखिए हींग से भी अच्छी खुशबू आ रही है। हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम गैस को थोड़ा मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। अब इसके अंदर हमने ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, और ओनियन और लहसुन, इन सभी को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अच्छे बबल्स आने लगे हैं, अब इसको फ्राई करते रहेंगे। और एक तरफ से हम जो मसाला है चम्मच से इसको अच्छी तरह से थोड़ा चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं नीचे। और एक हम बाउल लेंगे, उसके अंदर 1 चम्मच मिर्च पाउडर डाल दिया है, जो मसाला है वो अच्छी तरह से हम तैयार कर लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है, इन सभी मसाले को हम अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। पानी डाल के अच्छी तरह से भिगो लेते हैं। हल्दी पाउडर, सभी मसाले को हम थोड़ा तैयार कर लेते हैं घोल, जिससे कि सब्जी जल्दी तैयार हो सके और सब्जी का टेस्ट भी अच्छा है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भिगो लेते हैं। देखिए चम्मच से इसको थोड़ा चला लेते हैं जिससे कि मसाला हमारा एक मिक्स हो जाए।
देखिए हमारी जो मटेरियल्स है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, और मसाला भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। देखिए मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है, बहुत ही अच्छा कलर आएगा सब्जी के अंदर, और चम्मच से इसको लगातार चलाते रहेंगे। बहुत ही अच्छी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में बेल आइकन है उसको अच्छे प्रेस करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए हमारी सब्जी अभी बनने वाली है। देखिए मसाला हमारा पककर तैयार हो चुका है, अच्छे बबल्स आने लगे हैं, और मसाला वो तेल छोड़ने लगा है। ये देखिए तेल भी अलग दौड़ने लगा है, इसका मतलब मसाला हमारा पककर तैयार हो गया है। ये देखिए मसाला पककर तैयार हो चुका है, और अब इसके अंदर हम थोड़ी ग्रेवी के लिए हम कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। एक चम्मच पानी डाल दिया है, अब इसको थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं, और थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देते हैं। अब हम कवर को हटा के देखेंगे। देखिए सब्जी में अच्छे बबल्स आ रहे हैं, देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है शानदार। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू वाली शानदार सब्जी बनकर तैयार हो रही है। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। अब इसके अंदर जो हमने मोटे वाली नमकीन है वो ऐड कर दी है, इससे सब्ज़ी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए अपने किचन में, और एक बार ज़रूर बनाकर खाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए मोटा नमकीन वाली सब्जी। ये देखिए बहुत ही अच्छा सब्जी के अंदर कलर आया है, और हमारी सब्जी बहुत ही खुशबूदार शानदार सब्जी बनकर तैयार हो रही है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, और सब्जी को ठंडा होने के बाद एक अलग बाउल के अंदर सर्व कर लेते हैं। देखिए सब्जी को एक अलग बाउल के अंदर सर्व कर लेते हैं। इसको आप रोटी पूरी परांठे के साथ खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। इस प्रकार आप मोटा नमकीन वाली सब्जी बना सकते हैं। देखिए सब्जी के अंदर बहुत ही अच्छा कलर आया, अच्छी ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तैयार हुई है। देखिए शानदार सब्जी बनकर तैयार हुई है। अच्छा दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय, टेक केयर।